तो दूसरे को मिटाने के चक्कर में खुद मिट जाओगे और दूसरे को बनाने के चक्कर में खुद बन जाओगे। मोनोथिज्म, एक ओंकार सतनाम। मोनोथिज्म का मतलब एक ईश्वरवाद। हम सब एक पिता की संतान है। लाखों संतों ने इस बात को कहा पर इस धरती पर किसी को समझ में नहीं आया और ना कभी आएगा। ये कयामत तक चलेगा क्योंकि 2% एरिस्टोक्रेसी है, 98% प्रजा है। इस 98% को उलझाए रखने का सबसे प्यारा तरीका है डिवाइड एंड रूल। किसी भी स्तर पे, किसी भी, और ऐसा नहीं हिंदुस्तान में, हर जगह। अरब वर्ल्ड में चले आओ, मोहम्मद साहब ने एक ईश्वरवाद का सिद्धांत दिया, कहा अल्लाह एक है और उसका एक अंतिम रसूल है मोहम्मद साहब। वहां देखो शिया सुन्नी महदवी पता नहीं कितनी चीजों में बटे, वहां कौन सा जातिवाद है। तुम यूरोप चले आओ, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट पता नहीं कितनी डिवीजन है। 2% शाही वर्ग का जो सबसे बड़ा हथियार है 98% को कंट्रोल करने का, वो है डिवाइड एंड रूल। जिसको भी धर्म समझ में आ गया तो किसी को गाली नहीं दे सकता, चाहे व्यक्ति को या धर्म को। आज इलेक्शन आ रहा है ना 24 का, अब वो गाली दे रहे क्योंकि वोट का चक्कर है। आपको समझ में आ गया हिंदू धर्म ठीक नहीं है, ठीक है आप बुद्ध हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, ईसाई हो जाओ, ऑप्शन बहुत है, गाली देने की क्या जरूरत है। गाली देने की जरूरत यह है क्योंकि नफरत फैलानी है। भाई आपको एयर इंडिया में सफर नहीं करना है, अच्छी बात है, आप इंडिगो में करो, विस्तारा में करो, स्पाइस जेट में कर लो। संतों को देखो, सूफियों को देखो, फकीरों को देखो, अपनी बात कहते हैं। धार्मिक सहिष्णु, इस दुनिया में अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ है तो है रिलीजन, और है बड़ी प्यारी चीज, क्योंकि अगर धर्म समझ में आ जाए खुदा बना दे, उससे नीचे बनाती ही नहीं। आईएस तो बहुत छोटी सी चीज है। दुनिया में सिर्फ 2% लोगों को धर्म समझ में आता है, बाकी सब धार्मिक तोते हैं। शाही वर्ग के लिए धर्म वरदान है और मूर्खों के लिए अफीम है। शाही वर्ग के लिए धर्म वरदान है। धर्म है क्या? लॉ, रूल्स। इंसान को छोड़कर सभी धर्म में बंधे हुए हैं, नियम में, चांद तारा सब 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 धर्म में बंधे हुए हैं। इंसान है जो स्वच्छंद है, आजाद नहीं, स्वच्छंद। रात में 2 बजे खाना खा रहा है, 2 बजे रात में, कह रहा नींद नहीं आ रही। सब जानवर अंधेरा हुआ सो गए, सब चिड़िया अंधेरा हुई सो गई, सब, इसको नींद ही नहीं आ रही है। दिन भर खुराफात सोचोगे, दूसरे को परेशान करने सोचोगे, खुराफात सोचोगे, दूसरे का बुरा सोचोगे, नींद आएगी। अपना अच्छा सोचो। कुछ काम है जो तुम जीवन में नहीं कर सकते, किसी को मिटा नहीं सकते, कर ही नहीं सकता कोई आदमी। मैं तो देखता हूं आज लोगों को, हम इसको मिटा देंगे, हम इसको खत्म कर देंगे, हम ये कर, तुम कुछ ना कर पाओगे। तुम्हारी सांस तो तुम्हारे कब्जे में है ही नहीं। हां, तुम अपने को मिटा सकते हो दूसरे को मिटाने के चक्कर में, ये कर सकते हो।
तो दूसरे को मिटाने के चक्कर में खुद मिट जाओगे और दूसरे को बनाने के चक्कर में खुद बन जाओगे।